शिवू सोरेन के परिवार है, ये झारखंड में कोई लीगल काम करता ही नहीं है, जितनी इलीगल काम है सब ये करते हैं, और कल हो करके इनको जेल जाना पड़ जाए तो फिर कहेगा कि हमको फंसा रहा है, फिर कहेगा कि राजनीति हो रही है। जब मुख्यमंत्री या उनके परिवार के लोग इलीगल काम करेंगे तो फिर और लोग इलीगल करेंगे, उसको कैसे रोकेंगे? हमने कहा कि सरकार जान बूझ करके इस विवाद को खड़ा कर रखा है, क्योंकि सरकार अपनी नाकामी को कहां से छुपाएगी, जो कि उन्होंने कहा ही गलतियां कर रखी हैं, तो उन सारे विषयों को कैसे दबाया जाए, वहां से समाज के मूड को इधर उधर कैसे भटकाया जाए, तो इसलिए वो इस प्रकार के वो विवाद को पैदा कर रहे हैं। भाई आप देखिए कि कल आप देखें कि पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कल रघुवर दास जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, भाई एक मुख्यमंत्री क्या ले रहे हैं, खदान, भाई ये तो क्या बोलते हैं, सरासर उल्लंघन है कानून का। मुख्यमंत्री रह करके इस प्रकार की कोई व्यापार करे, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? लगता है कि भाई जो शिवू सोरेन के परिवार है, ये झारखंड में कोई लीगल काम करता ही नहीं है, जितनी इलीगल काम है सब ये करते हैं। और मैं तो हेमंत जी को कहता हूँ कि भाई थोड़ा संभल जाओ, पहले पिताजी कितना बार जेल गए आए, आज भी आप देख रहे हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री की क्या हालत है, मुझे देख करके कभी कभी तरस आता है। इसके बाद में लोग शिक्षा नहीं लेते, समझदारी नहीं पैदा होती है, और कल हो करके इनको जेल जाना पड़ जाए तो फिर कहेगा कि हमको फंसा रहा है, फिर कहेगा कि राजनीति हो रही है। भाई आप गलत करेंगे, और आज गलत चारों तरफ हो रहा है, पूरी तरफ, जब खुद ही गलत करेंगे, इलीगल खुद ही काम करेंगे, तो इलीगल काम को कैसे वो रोक पाएंगे बताओ? उनके भाई के नाम से भी पिछली सरकार के समय कोई ग्रैंड माइनिंग, कोई खदान पाकुड़ में है, उसके शायद डायरेक्टर उनके भाई ही है, और उन्हें इलीगल माइनिंग किया, माइनिंग वालों ने उनके ऊपर जुर्माना ठोका 8 करोड़ या कोई समथिंग का, अभी भी पैसा जमा नहीं किया, मामला को शायद अदालत में लटका करके रखा हुआ है, या फिर कोई कमेटी बनाए क्या कर रहा है पता नहीं, और इसके बाद भी जानकारी मिल रही है वहाँ माइनिंग हो रहा है, और फिर माइनिंग को वहाँ से सब एक्सपोर्ट किया जा रहा है, सुनते हैं बाहर बांग्लादेश को। भाई जब मुख्यमंत्री या उनके परिवार के लोग इलीगल काम करेंगे तो फिर और लोग इलीगल करेंगे, उसको कैसे रोकेंगे? इसलिए आप देखेंगे बालू भी लूट हो रही है, पत्तल के भी लूट हो रही है, कोयला को भी लूट, पूरी तरह लूट मची हुई है के लिए। भाई राज्य की सत्ता में बैठे हुए लगता है कि ये जो परिवार है सिर्फ पैसा कमाने के लिए सत्ता में बैठे हुए। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।